फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या देखेंगे हम लोग इसमें। फॉर एन एसी सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली आई इज इक्वल टू 2 sin 250 pi t। आई की वैल्यू देखिए कितनी, बोलो 2 sin 250 pi t, और आपका वोल्टेज दिया है जिसको अपन ER E बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां पे दिया है E V, दैट इज 10 sin of 250 pi t प्लस पाई बाय 3 volt, और ये दिया है किसमें, एम्पियर में। बात समझ में आई। और आपको फाइंड आउट करना है बेटा कौन सी चीज, इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एट टी इज इक्वल टू कितने टाइम पे, टी इज इक्वल टू 2/3, इस टाइम पे आपको निकालना है। और सेकंड चीज दी है, क्या निकालना बेटा बोलो, एवरेज पावर, क्या निकालना है, ठीक है। अब जब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि तो बेटा पावर एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है, ERMS IRMS cos of phi। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या लिखेंगे, E इंस्टेंटेनियस मतलब E और I इंस्टेंटेनियस मतलब I, क्लियर है। E इंस्टेंटेनियस मतलब V इंस्टेंटेनियस, जिसकी वैल्यू कितनी बेटा बोलो, दैट इज 10 sin 250 pi t प्लस पाई बाई 3 इंटू, आई की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, 2 sin 250 pi t। इसको सॉल्व करना पड़ेगा दो इक्वेशन को, बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो बेटा बोलो, तो यहां पे मैं इसको रीअरेंज करता हूं, 10 को लिख लिया साइड में, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, ये 2 सामने लेके आया, 2 sin 250 pi t प्लस पाई बाई 3 इंटू 2 sin 250 pi t, बात समझ में आ रही है। तो ये दिख रहा कौन सा, देखो दैट इज 2 sin a plus b, साइन ए प्लस बी कौन सा फार्मूला बनता है, सॉरी 2 sin this value इंटू साइन दिस वैल्यू, तो ये वाला अपना फार्मूला कौन सा, कॉस के फॉर्म में चेंज होता है, बराबर है। तो ये रहा 10 जैसे के वैसा, तो इसकी वैल्यू बनी कौन सी बोलो बेटा, तो फार्मूला कौन सा बनता है, इसको सबको याद होना चाहिए बेटा, बेटा बोलो कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, याद होगा, इसके हम लोग फॉर्म में लिख सकते, बराबर है। तो बोलो क्या करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा आपका कॉस ए माइनस बी, क्लियर है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, तो बोलो बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 250 पाई टी प्लस पाई बाय 3, हाँ माइनस 250 पाई टी, ओके माइनस ऑफ बोलो कॉस, दोनों का एडिशन, ए का और बी का एडिशन, इसका एडिशन करेंगे मानो 250 पाई टी, 250 पाई टी इज 500 पाई टी प्लस पाई बाय 3, हो गया, ये इतना मिला आपको, ठीक है। चलो आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 हाँ इसका कितना आएगा, ये तो क्या हो गया पूरा, हाँ तो कितना बचा आपके पास, कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस, अब यहां पे टी यहां पे हम लोग डाल सकते बेटा, क्योंकि आपके पास दिया है टाइम की वैल्यू कितनी, दैट इज 2/3। तो अगर यहां पे अगर मैं यहां पे पुट करता हूं वैल्यू, दैट इज 2/3, तो 500 to 1000 कितना बनेगा, और मुझे लगता है टाइम किस में दिया है बेटा बोलो, मिली सेकेंड ना, तो मिली सेकेंड का मतलब क्या है, 10 to the power, तो कितना बना यहां पे 1000, एक के ऊपर कितने जीरो, 3 0, तो ये 3 0 10 to the power -3, ये क्या हुआ, कैंसल हुआ, बचा कितना बेटा बोलो अंदर, दैट इज पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, अरी बात समझ में, इसको क्या लिख सकते, दैट इज 10 cos π/3 माइनस कॉस ऑफ, हाँ दैट इज 2π/3। अब देखो यहां पे दो चीजें आ रही है, दो कॉसेस की वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस 2π/3, 2π/3 को पाई बाय 3 के फॉर्म में लाना है, हाउ टू राइट दैट 2π/3 इन द फॉर्म पाई बाय 3, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, दैट इज 10 इन ब्रैकेट कॉस पाई बाय 3, ठीक है, माइनस जैसे कि वैसा लिखा। अगर आप अलाइड एंगल के बारे में बात करो तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3, अरे के बाद समझ में, देखो 2π/3 को मैं कॉस 2π/3 को मैं क्या माइनस कॉस पाई बाय 3 लिख सकता हूं या नहीं, कैसे, अरे अलाइड एंगल के बारे में बात करो, पाई बाय 3 माइनस में लिखा है पाई बाय 3, नहीं समझ में आ रही बात, कॉस का कॉस ही फंक्शन है बेटा, कॉस का कॉस तभी रहता है जब हम लोग हमारा कौन सा फर्स्ट एंगल कितना हो 180 के बराबर हो, बात समझ में आ रही है। दूसरा एंगल क्या लिखेंगे, देखो दूसरा एंगल क्या लिखा मैंने, पाई बाय 3,
सोचो थोड़े देर के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कार्यक्रम। आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बेटा आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते, दैट इज माइनस सामने आया, माइनस माइनस क्या बना? प्लस बना। तो कितना बना है बोलो बेटा? हाँ, ये कितना बनेगा, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय 3। आ रही बात समझ में? तो कितना बना, दैट इज 20 कॉस ऑफ पाई बाय 3 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 3? पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। कॉस 60 इज हाउ मच? कितना? तो कितना बनेगा ये 20 × 1/2? तो बना कितना? 10 वॉट। तो ये निकला पावर। अरे बात समझ में? और हमारा एंगल भी मिला कितना है बोलो? कॉस के लिए पाई बाय 3 मिला है। समझ में आ रही बात? तो एवरेज की जब हम लोग बात करेंगे तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? एवरेज निकालना। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कौन सा कंसेप्ट? कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो पावर एवरेज की वैल्यू कितनी मिलेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आंसर निकलेगा, नहीं भी करते हो तो थोड़ा सा अगर लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 10। ठीक है, तो जीरो से लेके टी टाइम तक मतलब एक साइकिल में एवरेज पावर कितना मिलेगा? तो अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज पावर एवरेज को हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ, क्या निकालते हैं हम लोग बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, पावर कौन सा? इंस्टेंटेनियस वाला। कहां से लेके कहां तक? जीरो से लेके टी तक, डिवाइडेड बाय क्या इस्तेमाल करेंगे? टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। क्लियर है? आई होप अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। कितना आएगा इसका आंसर? आता है बेटा, दैट इज 5 वॉट। सॉल्व करके देखना एक बार, ठीक है? अपना इस्तेमाल करो दिमाग, ठीक। फॉर द सर्किट एज शोन इन फिगर, इफ द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट इज 2.2 एम्पियर, द पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स इज हाउ मच? बॉक्स दिया यहाँ पे, बॉक्स के अंदर दिया बेटा क्या? आर और सी सर्किट। क्लियर है? तो इसका पावर फैक्टर निकालना मतलब क्या निकालना बेटा? बोलो बेटा कि बॉक्स के अंदर बेटा आपके पास है रजिस्टर और आपके पास है क्या? कैपेसिटर। तो अगर आपका पता, आपको पता है कि वहां पे अगर रजिस्टर और कैपेसिटर का सर्किट हो तो करंट क्या करता है? लीड। और ईएमएफ क्या करता है? लैग। दोनों में एंगल हो फाय, ये रहा ई, ये रहा आपका आई। तो आई के साथ कौन रहेगा? आपका आर रहेगा। और ये होता है कौन आपका? हाँ बोलो, एक्स सी। और कॉस फाइ की वैल्यू होती है कितनी? दैट इज, हाँ बोलो, कॉस फाइ इज वॉट? और ये होता है आपका कौन? जेड। हाँ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? कॉस फाइ इज इक्वल टू वॉट? आर बाय जेड बनेगा। क्लियर है? तो पहले तो हम निकालेंगे क्या, इसमें फाइ निकालेंगे। तो जेड कैसे निकाला जाता है? जेड इज वॉट? दैट इज आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर। तो क्या आपके पास जेड है, क्या आपके पास एक्सेल है? एक्सेल हम लोग निकाल सकते हैं। कहां से निकालेंगे? आपके पास है बेटा इंडक्टर की वैल्यू और आपके पास है ओमेगा की वैल्यू। एक्सी निकालने के लिए आपके पास क्या नहीं है? सी नहीं है, ठीक है। आर आपके पास रेडीमेड दिया है कितना? 100 वोल्ट। तो आप यहां से जेड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? व्हाट इज द जेड? दैट इज द सर्किट का पूरा इंपीडेंस, ठीक है। ये इंपीडेंस क्या बोलता है बेटा बोलो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अरे बराबर है ना? So what is the meaning of Z square? Z square मतलब what is the Z? Impedance. Impedance मतलब क्या होगा? Voltage by current. कौन सा वाला? RMS है तो RMS लिखेंगे। VRMS, IRMS whole square. R square plus XL minus XC whole square. Clear है? VRMS की value कितनी है? That is 220 volt divided by 2.2 का whole square is equal to R square की value कितनी है? 100 square plus एक्सेल की वैल्यू कितनी निकालोगे? एक्सेल इज वॉट? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बोलो? 100 पाई इंटू पाई पर सेकंड। हाँ बोलो, हाय बोलो। ओमेगा इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है? 1/π माइनस एक्सी होल स्क्वायर। पाई पाई गेट। तो अब आपको करना है यहां से पूरा प्रोग्राम बेटा, बोलो कैसे करोगे? सॉल्व करना पड़ेगा। इससे क्या निकलेगा आपका? एक्सी निकलेगा। क्या निकलेगा? और ये एक्सी हम लोग पुट करेंगे किसके लिए? टैन फाइ के लिए, क्योंकि टैन फाइ की वैल्यू इसी इसमें ट्रायंगल में कितना बनेगा बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन फाइ? दैट इज अपोजिट साइड, दैट इज एक्सी बाय एडजेसेंट साइड आर। और ये फाइ हम लोग पुट करेंगे यहां पे और हम लोग निकालेंगे क्या? कॉस फाइ की वैल्यू। अरे बात समझ में? कर रहे हो ट्राई? तो बेटा फटाफट बोलो एक्सी की वैल्यू कितनी निकलेगी? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो कितना बनेगा इसका वैल्यू? हाँ, तो 220 एक जीरो सरकाएंगे, इसका बनेगा 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा 100 स्क्वायर प्लस कितना बना? ये 100
माइनस एक्सी हो स्क्वायर, हाँ ये जाएगा इधर, क्लियर है? कितना बनेगा बेटा बोल, 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर कितना, कितना बनेगा? तो बचा कितना, जीरो इज इक्वल टू व्हाट दिस, 100 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, मतलब ही एक्सी की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर, नहीं बनेगी, दोनों का करो स्क्वायर रूट, जीरो का स्क्वायर रूट इज जीरो, 100 इज, जीरो इज इक्वल टू 100 माइनस एक्सी, तो एक्सी इज इक्वल टू व्हाट, 100, इतना बना, नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, तो ये बना कितना 100 ओहम। अब बताओ बेटा यहां पे एक्सी की वैल्यू क्या, कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो एक्सी की वैल्यू कितनी बनी 100, आर की वैल्यू कितनी है 100, कितना बना टैन फाइव की वैल्यू कितनी बनी 1, तो 1 कब बनता है जब एंगल कितना हो 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री अगर यहां पे पुट करते हम लोग, यहां पे अगर पुट करते हैं 45 डिग्री तो कितना बनेगा 1/√2, आई बात समझ में, कितना बनेगा, तो जो फाइ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको बेटा याद रखना है, वो निकालनी कहां से, टैन फाइ से, ठीक है? चलो आगे बढ़े, चलो वेन अ वोल्टेज वी इक्वल्स टू 200 अंडर रूट ऑफ 2 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री इज अप्लाई टू एन एसी सर्किट, द करंट सर्किट इज फाउंड टू बी आई इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, देन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 200√6 वाट, बी इज एवरेज पावर, दिस इज वेयर पावर फैक्टर इज √3/2, पावर फैक्टर इज 1/2। इसमें से ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपके एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि आपको हर एक चीज आपको क्या करनी है बेटा, बोलो, चेक करते हुए चलनी है, आई बात समझ में? तो पहला इक्वेशन आपको दिया है वोल्टेज का, ये वोल्टेज का इक्वेशन कितना बेटा बोलो, 200√2 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, और आपका दिया है ये कौन सी वैल्यू, करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी है 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, π/4 का मीनिंग क्या, कितना डिग्री, 15 डिग्री, आ रही बात समझ में? अब हम लोग यहां से पहले तो क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे बेटा, पावर फैक्टर का मतलब होता है cos phi, क्या दिख रहा है, cos phi, तो phi वो वैल्यू है जो का करंट आप वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का क्या है, डिफरेंस बताएगा, किसके और किसके बीच का, करंट और वोल्टेज का। अगर मैं अच्छे से देखूं तो अगर मैं पाई बाय फोर को 45 डिग्री लिखूंगा, किसी को कोई दिक्कत है, तो अब क्लियर कट यहां पे दिख रही बेटा चीज कौन सी बेटा बोलो, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है, बोलना नहीं है 45 डिग्री बेटा, क्योंकि वोल्टेज भी जो है वो 15 से दिख रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि दोनों में से कितने का फेज एंगल दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितने डिग्री का, इसका मतलब कॉस फाइ की वैल्यू कितनी बनेगी, कॉस कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, √3/2, यही तो होता है ना पावर फैक्टर, तो √3/2 है क्या अपने पास ऑप्शन में, तो पावर फैक्टर की वैल्यू दी है बेटा कौन सी, √3/2, तो सी आंसर है, ठीक है? अब हमको चेकआउट करना है एवरेज पावर की बात, एवरेज पावर क्या होता है बेटा बोलो, एवरेज पावर होता है पी एवरेज, एवरेज होता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइ, ठीक, ठीक है बेटा, ई आर एम एस मतलब ही क्या होता है बोलो, ई नॉट बाय टू, ई नॉट बाय √2 मतलब ही क्या, वी नॉट बाय √2, और आई आर एम एस मतलब क्या, आई नॉट बाय √2, क्या मेरे पास वी नॉट और आई नॉट दिया है, बिल्कुल दिया बेटा, देखो यहां पे ध्यान देना कितना है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है ना, तो बेटा यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200√2/√2 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2/√2 इंटू कॉस फाइ कॉस 30 √3/2, ठीक, √2 कैंसल, √2 गेट कैंसल, क्या बना कितना बचा है, √2 कैंसल, हां कितना बचा है 200√3/√2 है क्या ऑप्शन में, नहीं है क्या, हुआ होता है ना, तो करो ना, क्या कर सकते हम लोग, अरे इसका कितना बनेगा, ऑप्शन में क्या दे रहा है 100√6 है, तो इसको बना सकते हैं ना 100√6,
तो बेटा ये जो 200 दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू टू, या क्या दिख रहा है, बाय रूट टू, और ये क्या बचा है, रूट थ्री, मॉडिफिकेशन। अरे है या नहीं है बेटा, बोलो आगे क्या करेंगे। टू को क्या कर सकते, 100 इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू ऊपर का एक कैंसिल हो गया, कितना बनेगा, रूट सिक्स वॉट, क्या होगा, वॉट, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा, समझ में आया। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा सही दिखा रहा है, ऑप्शन बी में है, तो दो आंसर आपके करेक्ट है बेटा यहां पे। अरे बात समझ में, ठीक। आगे, सिग्नल जनरेटर सप्लाइज अ साइन वेव ऑफ 200 वोल्ट 5 किलो हर्ट्ज टू द सर्किट शोन इन द फिगर, देन रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है बेटा। तो ये देखो आपका सर्किट, मुन्ना भाई बोले तो साथ में कौन रहता है, सर्किट। तो ये रहा सर्किट और ये रहा शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दी बेटा कितनी, 100 ओहम, इसके क्या दिए है, 1/π μF, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बना कितना, 200 वोल्ट, ये कितना, 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना बेटा, इसका मतलब ये कि हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, चेक कर लो पहले ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी है। जब रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो तो हर स्टेटमेंट को पहले चेक करना पड़ेगा। तो करंट इन द रजिस्टिव ब्रांच, रजिस्टिव ब्रांच का करंट मतलब ये वाला, इसको नाम अपन देके चलेंगे IR, इतना होगा। तो टोटल करंट इन द कैपेसिटिव ब्रांच, कैपेसिटिव ब्रांच का करंट मतलब ये कौन सा, IC, टोटल करंट कितना जा रहा है, I, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया करंट, एक में जा रहा है IR, एक में जा रहा है IC, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ, टोटल लाइन करंट, लाइन करंट मतलब कौन सी, किसकी बात कर रहा है, I, ये भी चेक करना पड़ेगा। करंट इन बोथ द ब्रांचेस इज सेम, सेम होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें क्या करनी है, चेक करनी है, पहली चीज। तो पहले आप सोचो कि दोनों भी सर्किट में जो वोल्टेज लगाया गया है, क्या मैं इस लाइन को इस तरह से निकाल सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत है बेटा। ये बना आपका IR, ये कौन है, I, अरे है या नहीं है, I जाएगा, ये I दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक IR और IC, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दो चीजें तो दिख रही है आपको, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये किसमें दिख रहा है, पैरेलल में, हमने किसमें सीखा था अपने सिलेबस में, सीरीज, तो RC सर्किट था ये, RC सर्किट है, पर लेकिन कौन सा RC, पैरेलल सर्किट है बेटा, ये बात समझ में आई, ठीक। अब दोनों के लिए वोल्टेज कैसा है, सेम, क्योंकि दोनों किसमें लगाए गए हैं, पैरेलल में। अगर अलग अलग लगाए गए होते तो हम लोग ऐसे बोलते कि ये EC है और ये क्या है, ER है, या फिर VC है और VR है। अभी दोनों के लिए वोल्टेज के साथ सेम, और जो वोल्टेज दिया है बेटा ये कौन सा है, ERMS वैल्यू है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो पहले मैं रजिस्टर के बारे में बात करता हूं, रजिस्टर के लिए करंट निकालना है, R की वैल्यू पता है, V की पता है क्या, हाँ है, अरे हया नहीं है, V भी पता है, R भी पता है, I नहीं पता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है बोलो, IR की वैल्यू होती है कितनी, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रजिस्टर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी रही, 200, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 100, कितना है, IR की वैल्यू किसके बराबर, 2 एम्पियर के बराबर, ठीक। बाद में चेक करेंगे अपन सारी चीजें, ठीक है, पहली चीज तो हो गया। अब IC के बारे में बात करो, IC के लिए आपको करंट निकालना है, वोल्टेज पता है क्या नहीं पता है, उसका अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस नहीं पता, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस, XC, अरे कितना होता है, XC, क्या आपको XC पता है, नहीं पता है। सर XC की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1/ωC होता है, इसका मतलब सी उसी के लिए दिया होगा ना, तो दिया है बेटा, 1/ωC की वैल्यू कितनी दी है बेटा बोलो, ओमेगा नहीं दिया डायरेक्टली, कितना दिया है, 2πf × c, यही होता है ओमेगा की वैल्यू, 2πf, 1/2πf की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 kHz, 5 किलो मतलब कितना, 5 × 10⁻³ या +3 × c की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/π μF मतलब है 10⁻⁶, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पाई से पाई क्या हुआ, तो बेटा यहां से आगे बोलो क्या बनेगा, 5 × 10 मतलब यहां पे कितना जीरो चढ़ा, एक जीरो चढ़ा, 10⁻⁴ - 6 कितना बना,
माइनस टू वन बाय टेन टू दी पावर माइनस टू, ऊपर गया कितना जाएगा, टेन टू दी पावर प्लस टू, प्लस टू मतलब कितना 100 ओहम। ये बना कौन, एक्सी की वैल्यू। आई बात समझ में, ठीक है। एक्सी बना कितना 100 ओहम, ठीक ठीक है। आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब एक्सी निकला, इसका मतलब यह है कि आप यहां के आगे की चीज कौन सी बोलो, आईसी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसी, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी बेटा बोलो, हाँ कितना है 200, और एक्सी की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आया 2 क्या एम्पियर। अरे आ गया, अरे आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, ऑप्शन आपने को आप लोगों ने पढ़ लिया था, ऑप्शन जैसे पढ़ा आपको समझ में आया कि ये भी निकालना है नेट करंट। और अब देखो नेट करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आईसी प्लस गलत। अरे बेटा जब यहां पे दोनों भी जगह पे अगर रजिस्टर होता तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का होता। यहां पे दिया है रजिस्टर, यहां पे दिया है क्या कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर बोलता है मैं पहले ही क्या करूंगा, करंट को पास करूंगा, बाद में वोल्टेज को भेजूंगा, मतलब जब वोल्टेज का बढ़ना होगा तब मैं करंट को घटाऊंगा। रजिस्टर बोलता है मैं सादा सुदा हूं, मेरी जन्म तब हुआ जब तुम्हारे नखरे शुरू होने के थे, मतलब कब, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये नखरे जो शुरू हुए कब हुए, जब एसी चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया। वोल्टेज जब बढ़ रहा है, पापा बोल रहे मत जाओ, बेटा बोल रहा मैं जाऊंगा, पापा बोल रहा बेटा जा, बेटा बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा। पहले के जमाने में बाप बोलेगा जा तो जा, बाप बोलेगा आ तो आ। तो ये पुराने ख्यालों का ख्यालों वाला है, कौन सा आर। तो अब सुन लो बेटा, करंट यहां पे जब वोल्टेज बढ़ेगा रजिस्टर के लिए तो इसके लिए भी बढ़ेगा ना। तो इसमें जब बढ़ेगा तो करंट, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना होता है 0, और इसमें कितना होगा 90 का, बराबर है। तो जब इसमें करंट, इसके लिए वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और इसके लिए जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, दोनों में एंगल कितना 90। तो आपका सादा यहां पे एडिशन चलेगा क्या, नहीं, फेजर एडिशन चलेगा बेटा, कौन सा आईसी स्क्वायर प्लस आईआर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आईसी आईआर कॉस 90, कॉस 90 जीरो, मतलब ये आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, ये अंडर रूट में चला जाएगा सब कुछ। आ रही बात समझ में, अरे समझ में आ रही बात बेटा। आईसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, टू स्क्वायर इज हाउ मच 4 प्लस ये कितनी, टू स्क्वायर इज हाउ मच 4 कितना हुआ 8 मतलब कितना 4 × 2 तो कितना बना 2√2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा बेटा नेट करंट। अब चेकआउट करो कौन से में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिख रहा है, क्या आईआर की वैल्यू 2 दिख रही है, दिया है क्या आईआर की वैल्यू 2 नहीं है, 0.2 दिया है, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपका गलत है, द करंट इन द रजिस्टिव ब्रांच इज 0.2 एम्पियर, पहला गलत है। द करंट इन द कैपेसिटिव ब्रांच इज 0.126 एम्पियर, ठीक है, ये भी क्या है रॉन्ग है, ठीक है ना। और टोटल लाइन करंट कितना है 2√2, चेक कर लो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2√2 मतलब कितना, तो ज्यादा ही आएगा, ये भी क्या है, हाँ द करंट इन बोथ द ब्रांचेस इज सेम, ये सही है। तो ए बी सी ये तीनों भी क्या रहेंगे, गलत रहेंगे बेटा। आई बात समझ में, हो गया कंसेप्ट क्लियर, अरे हो गया कंसेप्ट क्लियर, ठीक है चलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, ए एंड बी कहां पे दिख रहा है, ए एंड बी सर्किट में आपका ये रहा ए ये रहा बी, इसके बीच का क्या निकालना बोलो, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस तब निकलेगा जब आपके पास क्या हो, क्या हो, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, हाँ इंस्टेंटेनियस क्या हो, करंट हो, नहीं समझे, समझे ठीक ओके। अब देखो ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है सभी चीजें साइन और कोसाइन में दिखाई दे, बराबर है। अब यहां पे अपन समझेंगे बेटा कौन सा इट इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, पहले तो समझ लीजिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, दैट इज वी आर बोलेंगे, या अपने भाषा में इसको अपन क्या बोलते हैं ई आर, अरे हा ना। तो वोल्टेज इज इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बोलता है बोलो, ओम्स लॉ बोलते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू
करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आर है तो आर होगा ना, ठीक है। कौन सा वाला है ये करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी हो इनटू आर। ये बात समझ में आई? अब आर की वैल्यू हमको पता है, आर दिया है क्या इसमें? आर दिया है बेटा, कितना है ये? एड दिया है, तो आपके इसमें एड लिखा है ए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में देखेंगे क्या आता है, ऑप्शन ए और बी यही आता है या कोई और चेंज होता है, ठीक है। तो हमको आई नॉट निकालना है पहले, तो आई नॉट साइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस थीटा इनटू क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? आठ। क्या मेरे पास क्या नहीं है? आई नॉट नहीं है। क्या नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई नॉट बेटा? हाँ, पीक करंट। क्या है ये? तो इसमें पीक करंट क्या होगा? पीक करंट की वैल्यू क्या हो सकती है बोलो? पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट में पीक करंट तब होगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है बेटा बोलो? क्या ये जेड, दैट इज कॉल्ड एम्पीडेंस, ठीक। और क्या निकालना पड़ेगा बोलो? एंगल। कौन सा एंगल? थीटा एंगल। प्लस माइनस लिखना पड़ेगा ना। ये थीटा का इंडिकेट करता है फेज डिफरेंस, किसके किसके बीच का? करंट का। तो पहले तो क्या निकालूंगा मैं? फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? टैन ऑफ फाई इज इक्वल टू, अब एक्सएल की वैल्यू बोलो बेटा कितनी दी हुई है? क्या है ये? 8 ओम। ये क्या है? कितनी है? 8 है। और ये तो मुझे बताइए किसकी डोमिनेंसी ज्यादा होगी, इंडक्टर की या कैपेसिटर की? तो ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अरे हा या ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो? टैन फाइव की वैल्यू, तो फेजर डायग्राम कैसे होगी? ऐसे होगी ना। इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या बनेगा? एक्सएल माइनस एक्सी। ये बनेगा आपका कौन? थीटा। या फिर इसको क्या लिखेंगे? फाइव। और ये क्या रहेगा आपका? आर। ये क्या रहा आपका? बट टैन फाइव की वैल्यू कितनी होती बेटा बोलो? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। बेटा एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 8। 8 माइनस एक्सी इज वॉट? 2 बाय 8। कितना बनता? 6 बाय 8 मतलब कितना? 3 बाय, बेटा 3 बाय 4। ये जो एंगल है, ये जो वैल्यू है, तो ये याद रखना बेटा, ये होता है 3, ये होता है कौन? 4। और ये होता है बेटा कितना? 5। अपन ने सीखा तो ये एंगल कितना होता है? 37 डिग्री, याद होगा, ठीक है। तो बेटा आपकी वैल्यू टैन फाइव की वैल्यू कितनी आई? 37 डिग्री। कितनी आई? फाइव की वैल्यू कितनी आई? 37 डिग्री। क्लियर हो गया? अब ये अगर 37 डिग्री हो तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? 37 डिग्री में लिखते हो या रेडियन में लिखते हो वैल्यू? तो रेडियन में लिखते हो, डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करो, 37π/180। तो रहने दीजिए, ऐसे आपके ऑप्शन में भी यही नंबर कुछ दिख रहा होगा, देखो 37π/180। अरे हया नहीं है? है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए, अगर ये इंडक्टिव सर्किट है तो लीड कौन करेगा? ईएमएफ लीड करेगा। करंट क्या करेगा? लैग करेगा। तो मुझे बताइए लैग के लिए यहां पे साइन कौन सा देंगे? तो यहां पे क्या लिखा मैंने? माइनस फाइव। फाइव की वैल्यू कितनी? 37π/180 डिग्री, ठीक है। चलो अब किसकी बात बची है? सिर्फ आई नॉट। अब आई नॉट के लिए मेरे पास क्या पता चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू दी है कौन सी? दैट इज 50π t, ठीक है। तो ये रहा आपका, कौन है ये? भी इंस्टेंटेनियस। मेरे को क्या चाहिए बताइए? आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू क्या चाहिए? वी नॉट बाय जेड। आर कैसे लिखोगे बेटा? जेड लिखोगे। तो वी नॉट है मेरे पास, कितना है? 10। अब क्या निकालना पड़ेगा? जेड। तो बेटा जेड किसा होगा बोलो फटाक से? हा, जेड की वैल्यू रहेगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही? 8 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 8 बाय माइनस 2, कितना? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना बनाइए? 64 प्लस 36, दैट इज 100 निकला बाहर। तो यहां पे I नॉट की वैल्यू किसके बराबर? V नॉट की वैल्यू किसके बराबर? देखो V नॉट इधर रहा है ना, V नॉट कितना ये? 10 बाय 10 इज इक्वल टू, तो आपकी वैल्यू बनी ER इज इक्वल टू 1 × 8 इज 8 sin ωt − 37π/180। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? ठीक, चलो आगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्वाइस एक्सएल इक्वल टू एक्सी बाय 3, ट्वाइस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बाय 3 इक्वल टू आर। आर की वैल्यू एक्सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सएल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिया है, कंपैरिजन किया है। देन द पिक वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज नॉट गिवन बाय,
इसका मतलब दिए हुए ऑप्शन में से तीन ऑप्शंस करेक्ट है और एक ऑप्शन आपका गलत है, तो आपको गलत चूज करना है। क्या चूज करना है? गलत बेटा। और ये जो सर्किट दिख रहा है ये आरएलसी सर्किट है या नहीं है? लेकिन हेडिंग में जब सीखे हम लोगों ने क्या सीखा था? सीरीज आरएलसी सर्किट या सीरीज एलसीआर सर्किट, बराबर है। ये क्या दिख रहा है? पैरेलल। ठीक ठीक। अब इसका एम्पीडेंस बनेगा जेड, इसका रिएक्टेंस होगा एक्ससी, इसका होगा आर, इसका होगा एक्सएल। ठीक। सभी में अपने अपने फेजेस है, अरे है या नहीं है? फेज डिफरेंसेस बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगी, वगैरह वगैरह। छोड़ो उसको, कुछ नहीं है। अगर ये सीरीज में हुआ करते थे तो फॉर्मूला लिखते थे बेटा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ठीक ठीक। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? एक्सएल है या एक्ससी है? एक्सएल है। ठीक है। अब यदि ये पैरेलल में लगाया गए हो, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, तो हम लोग कैसे लिखा करते थे रेजिस्टेंस? नेट रेजिस्टेंस 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय, तो अगर मैं यहां पे एम्पीडेंस लिखना है जेड, तो मैं लिखूंगा 1 बाय जेड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा अंडर रूट में, बहुत बढ़िया बोलो, 1 बाय आर स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्ससी होल स्क्वेयर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब यहां पे पहले तो हम लोग एक्सएल और एक्ससी को लिखेंगे, कौन से फॉर्म में लिखेंगे बोलो? आर के फॉर्म में लिखेंगे। बेटा बोलो, एक्ससी की वैल्यू अगर लिखनी हो तो एक्ससी कैसे होगा? एक्ससी इज व्हाट? दैट इज 3 ऑफ आर, रहा या ना? ठीक है। और एक्सएल अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एक्सएल इज व्हाट? आर बाय 2। तो इसमें डालिए वैल्यू, तो 1 बाय जेड, सो 1 बाय जेड इक्वल टू बोलो, हां, अंडर रूट ऑफ बोलो 1 बाय आर स्क्वेयर, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लेंगे 1 बाय स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्सएल की वैल्यू कितनी? एक्सएल की वैल्यू कितनी? आर बाय 2, दैट इज आर बाय 2, 2 लिखा ऊपर, माइनस 1 बाय एक्ससी की वैल्यू कितनी? 3 आर का होल स्क्वायर। सो 1 बाय जेड इज इक्वल टू लिखेंगे कितना बेटा बोलो? हाँ, 1 बाय आर स्क्वेयर प्लस बोलो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या बना? 3 बना या 6 बना? 6 बनेगा, बराबर है। ये कितना बनेगा? 3 आर। क्लियर हो गया? नीचे का कितना रहा? 3 आर, 6 माइनस 1 इज 5 होल स्क्वेयर। ठीक है। तो मैं अगर z निकालूंगा तभी जाके मुझे पता चलेगा कि यहां से करंट कितना फ्लो होने वाला है। और ऑप्शन में देखो, अगर मुझे अगर यहां पे z पता चला तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज i नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाय z, अरे हा या ना? वोल्टेज बाय, तो यहां पे v नॉट की वैल्यू कितनी? v नॉट है। ऑप्शन में भी क्या दिया है? v नॉट दिया है। बस मेरे को क्या निकालना था? z, इसलिए मैं z निकाल रहा। बहुत बढ़िया। तो बोलो बेटा यहां से कैसे सॉल्व करें? हां, कैसे निकलेगा? सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको भी। ठीक है, तो सॉल्व करो फिर, बोलो कितना होगा? 1 बाय जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, 1 बाय आर स्क्वेयर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9 आर स्क्वेयर। आया बराबर? सो 1 बाय जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम। क्या होगा बोलो बेटा? 9 लिखेंगे, नीचे होगा 9 आर स्क्वेयर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9 आर स्क्वेयर। सो 1 बाय जेड इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 9 आर। बेटा बाहर निकलेगा सब कुछ, तो जेड का उल्टा होगा, जेड लिखेंगे ऊपर लिख रहा मैं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, 9 निकलेगा बाहर, आर निकलेगा बाहर, तो कितना होगा? दैट इज 3 आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 34। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो बेटा बोलो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? हाँ, जेड की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज वी नॉट डिवाइडेड बाय 3 आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 34, तो कितना बना? अंडर रूट ऑफ 34 वी नॉट। क्या ये ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट। तो क्या सभी बाकी गलत है? अरे क्या सभी गलत है बेटा? एक ही ऑप्शन गलत होना चाहिए तभी जाके, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला नहीं है बेटा ये। तो कैसा करेंगे बेटा? आपके आर के जगह पे देखो कुछ और चीजें दिख रही होंगी, तो आर मतलब होता है क्या? एक्ससी के फॉर्म बताइए, आर क्या होता है? आर क्या होता है? एक्ससी बाय 3। तो इसको मैं अंडर रूट ऑफ 34 वी नॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्ससी बाय 3, 3 गेट, तो क्या बनाइए? अंडर रूट ऑफ 34 वी नॉट बाय एक्ससी है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन? तो सी भी करेक्ट है।
या फिर मैं इस ऑप्शन में आर के जगह पे अगर पुट करूं कितना, ट्वाइस एक्सेल, ट्वाइस एक्सेल, तो अगर ट्वाइस एक्सेल पुट करेंगे तो ऑप्शन आएगा 34 वी नॉट बाय ट्वाइस मतलब 2 × 3 6 ऑफ एक्सेल, है या नहीं है? कौन सा है? ए। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा गलत है? बी गलत है। डी ना, डी क्या रहेगा गलत, और यह आपका आंसर क्या रहेगा सही। तो पढ़ते समय सही से पढ़िएगा, चूज करते समय सही से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ब्लैक बॉक्स, इस ब्लैक बॉक्स से कुछ याद आया, ब्लैक बॉक्स मतलब प्लेन के अंदर होता है ना ब्लैक बॉक्स, पता है क्या, सुना है क्या? एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, उसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, छोड़ो। अपना जो ब्लैक बॉक्स जिसका नाम जेड दिया है, ऑफ अननोन एलिमेंट एल और सी और आर, कुछ भी हो सकता है, और एनी अदर कॉम्बिनेशन, दैट इज एल सी आर सी एल आर सी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ए सी वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू दी है बेटा कितनी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज अप्लाइड एंड करंट इन द सर्किट वॉज फाउंड टू बी, करंट की वैल्यू दी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस फाइव बाय फोर, इतना बड़ा दिया है प्रोग्राम। देन द अननोन एलिमेंट इन द बॉक्स इज, बॉक्स में क्या होना चाहिए, पहली चीज तो देखिए, ये ई दिया है, ये आई दिया है, ई की वैल्यू दी है बेटा फाइव, तो ये मैं यहां पे लिखता हूं पहले तो ये चीज, ये आपका एक्स एक्सिस, ये दिया बेटा वोल्टेज, ये रहा ओमेगा टी, ओमेगा टी के बाद फिर से एडिशनल कितना लिखा मैंने फाइव, तो ये कौन है आपका बोलो, ई है, कौन है ये, ई, तो ई की वैल्यू किसके बराबर, फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर आगे चलता है कितना पाई बाय फोर, इसके बाद फिर से एक लाइन खींचेंगे, ये रहा कौन सा करंट की लाइन, इसका क्या लिखेंगे हम लोग आई, तो ये वैल्यू किसके बराबर, पाई बाय फोर के बराबर, तो कौन लीड कर रहा है इसमें, करंट लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है बोलो, फाइव प्लस पाई बाय फोर या ओनली पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, क्योंकि यहां पे दिया है ऑलरेडी फाइव, तो इस वैल्यू को देखो, ये भी वैल्यू है ना, यहां पे फाइव दिया, इसका मतलब करंट कितने से लीड कर रहा है, तो करंट कौन से वाले सर्किट में लीड किया जाता है, कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सिंपल एक सिंगल कैपेसिटर होता तो वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस होता, पाई बाय टू, 90 डिग्री का, क्या है यहां पे 90 है, नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक, ओके। तो ये कैपेसिटर तो सिंगल नहीं हो सकता, तो ये पाई बाय फोर कहां पे आ सकता है, सोचिए कैपेसिटर के साथ और क्या लगा दिया जाए कि उसको और नीचे खींचे, कौन लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, तो यह सर्किट क्या बन सकता है, बराबर, ठीक है, आरसी हो सकता है, चलो मैं आरएलसी अगर बोलता हूं तो भी चलेगा क्या, अरे आरएलसी में मान के चलो, आरएलसी में अगर डोमिनेंसी किसकी रही, कैपेसिटिव सर्किट की, तो आपका फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये रहा आपका कौन, फाइ, ये हम लोग लाइन खींचेंगे बेटा, ये कौन है आपका आर, आर को किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट उधर ही होगा ना, ये क्या बनेगा बोलो, ये वाली लाइन जेड, ये कौन बनेगा, एक्सी माइनस एक्सएल, तो क्या फाइ यहां पर कितना नहीं हो सकता, पाई बाय फोर नहीं हो सकता, इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, और ये किसकी लाइन है, वोल्टेज की, तो यहां पे कौन सा सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर होगा नहीं, कौन हो सकता है, सी और आर हो सकता है, एज वेल एज सी आर और एल, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है बेटा बोलो, सी दिख रहा है, इधर कैपेसिटर रजिस्टर एंड इंडक्टर, और ओनली कैपेसिटर एंड रजिस्टर, मतलब कैपेसिटर और रजिस्टर, कैपेसिटर इंडक्टर और रजिस्टर, तो ऑप्शन आपका सी रहेगा सही आंसर, ठीक है बेटा। चलो, An alternating voltage of 260 volt and omega is equals to 100 radian per second is applied in LCR series circuit. LCR series circuit है, L की value दी है, C की दिया है, R दिया है, और power supplied by sources निकालना है। नीचे का question में दिया है बेटा, क्या निकालना है इसमें, resonance frequency, frequency की value सबको पता है, 1 by twice pi under root of L C. तो power की value होती है बेटा कितनी है? बोलो, I RMS into E RMS into cos of phi. मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है हुए बेटा, बोलो बेटा, इक्वेशन के अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो तो इक्वेशन में क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, कितना है ये 260 वोल्ट, ये वोल्टेज कौन सा वैल्यू रहेगी, वी नॉट होगा, वी आर एम एस होगा या वी इंस्टेंटेनियस होगा, क्या होगा, वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस मतलब ही कौन, ई आर एम एस, वी आर एम एस की वैल्यू किसके बराबर, 260 वोल्ट, क्या मेरे पास करंट है, नहीं है, तो अगर मुझे करंट निकालना हो तो करंट में हम लोग ओम्स का इस्तेमाल करेंगे, ई आर एम एस बाय जेड, क्योंकि आर एल सी सर्किट है बेटा, बराबर है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस मतलब ही एम्पिडेंस, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कैसी होगी बोलो, आर की वैल्यू कितनी दी होगी बोलो, 10 है ना, 10 स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब कितना, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी
होल स्क्वायर, ठीक, अरे हा ना, ओके। टेन स्क्वायर प्लस बोलो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100। एल की वैल्यू कितनी है, 0.01 माइनस 1 बाय ओमेगा की वैल्यू फिर से रही 100। 100 को कैसे लिख सकते बोलो, 10 टू दी पावर माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा आपका कौन सा वैल्यू बोलो, 10 स्क्वायर प्लस, हाँ कितना हुआ ये 1 होगा, माइनस 10⁻², 10⁻⁴ कितना बनेगा बेटा, माइनस टू ऊपर जाएगा, प्लस टू मतलब कितना, 100 बाय बचा कौन है, तो 100/4 की वैल्यू किसके बराबर, 25 का होल स्क्वायर, 25 - 1 24 का होल स्क्वायर। तो क्या बनाइए, 10 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर चलेगा, हाँ बोलो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना बनता है, 576। तो कितना बनाइए, 676। ओके, इसका वैल्यू कितना, किसके बराबर, तो ये आंसर बताएगा कितना, 26। ठीक है, तो ये ERMS वैल्यू कितनी बेटा बोलो, 260, और Z की वैल्यू कितनी मिली, 26। तो I की वैल्यू किसके बराबर, 10। तो क्या मिला आपको, IRMS भी मिला, ERMS वैल्यू मिला। अब बचता कौन है बेटा बोलो, cos of phi, cos phi की वैल्यू किसके बराबर, हमको पता है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, फेजर डायग्राम वाला ट्रायंगल, कैसा होता, ऐसा ही होता है ना, ये हो रहा आपका phi, ये रहा Z, ये रहा R, ये रहा XL माइनस XC, इस तरह से रहा बेटा। बोलो cos phi की वैल्यू किसके बराबर, एडजेसेंट साइड R, और ये रहा हाइपोटेनियस Z, Z है हमारे पास ऑलरेडी, R की वैल्यू किसके बराबर, 10, और ये किसके बराबर, 26 के बराबर। ठीक है, लिख सकते, तो IRMS की वैल्यू किसके बराबर हुई, IRMS इज हाउ मच, 10, ERMS इज हाउ मच, 260 इंटू, हाँ 10 by 26, 10 × 10, 1000 है या अपने पास, नहीं है, है तो कौन सा आंसर, 1000 वॉट। तो आंसर आपका ए रहेगा, सही आंसर, आई बात समझ में। उसके बाद क्या निकालना बेटा बोलो, इसके साइड वाला फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f इज इक्वल टू 1/2 πr√LC। अब ये बताने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते, ठीक है, तो पाई की वैल्यू के फॉर्म में निकालना है तो आप निकाल सकते, 1/2 πr√L की वैल्यू किसके बराबर है, 0.01 इंटू सी की वैल्यू इंटू 10⁻⁴। ठीक है, चलो बोलो 2π√, हाँ इसको बनाएंगे 4, ठीक है, और इसको बनाएंगे कितना, 1 बनाएंगे, 1 × 4, 4 बाहर निकला कितना बनेगा, 2। ठीक है, अगर इसको मैंने 1 बनाया तो 10⁻², 10⁻²-2 − 4 − 6 बाहर निकला −3, ठीक है, सॉरी −3 निकला, ठीक है, 2 × 2 = 4, तो आंसर देखो 4 के हिसाब से, तो 1/4, तो 10⁻²− 3 ऊपर जाएगा +3, 1/4π, ठीक है, हाँ बोलो बेटा, ये 10⁻³ मतलब कितना, 1000 × 4π कितना बनेगा, तो दैट इज 250/π, कौन सा आंसर है, बी आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, आई बात समझ में। ठीक है चलो, इन द सर्किट द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर्स R1 आर रिस्पेक्टिवली 5√5V, 10V, 5V, देन द पीक वोल्टेज अक्रॉस R2 इज, यहां पे कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर रजिस्टर ये सीरीज और ये सीरीज और दोनों का मिलके पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, पहली चीज। ठीक, बोला गया है जो वैल्यूज दिए बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस में 5√5V दिया है, ये RMS वैल्यू है। R1 के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज दिया इसके अक्रॉस में, ये है 5V, ये भी RMS है। इंडक्टर के अक्रॉस में दिया कितना, 10V, ये भी RMS है। और आपको R2 की वैल्यू निकालनी है, RMS नहीं, वो निकालनी पीक। तो पहले क्या निकालेंगे, सभी अगर RMS में दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, RMS, ये पहली चीज रही। दूसरी चीज, सभी के अक्रॉस का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम, मतलब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल दोनों का वैल्यू कैसा है, सेम। अब इसका पोटेंशियल का एडिशन होगा या फेजर एडिशन होगा, सिंपल, जैसे कि इसका नाम मैंने दिया कितना, ईसी और ER1, ये वोल्टेज का एडिशन होगा या फेजर एडिशन होगा, फेजर एडिशन होगा, क्योंकि हमको पता है कैपेसिटर जैसे आ गया यहां पे करंट लीड करेगा,
वोल्टेज क्या करेगा, कितने से एंगल, कितने एंगल से, फाइव, क्योंकि ये कौन सा सर्किट बना, आरसी सर्किट, आ रही बात समझ में। सिमिलरली आप भी वैसा होगा, लेकिन फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रांच वन बी वन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ब्रांच टू, इधर का पोटेंशियल इस ब्रांच वन का बोलिए, हाँ, ईसी स्क्वेयर प्लस क्या होगा ई आर वन स्क्वेयर, और ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, इसी की वैल्यू होगी ना, सिखाया हम लोगों ने फाइनल वोल्टेज इक्वल टू, क्यों लिखा इक्वल टू, क्योंकि दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल कैसा है सेम, अंडर रूट ऑफ बोलो ई एल स्क्वेयर प्लस ई आर टू स्क्वेयर, दोनों साइड का स्क्वेयर कर लो, अंडर रूट निकल जाएगा बेटा, निकलेगा नहीं निकलेगा, वैल्यू डाल दीजिए, इसी की वैल्यू कितनी है, फाइव रूट फाइव का स्क्वेयर इज 25 इंटू फाइव प्लस ई आर वन स्क्वेयर इज 25 इज इक्वल टू ई एल स्क्वेयर इज हाउ मच 100 प्लस ई आर टू का स्क्वेयर, तो ये कितना बनेगा, हाँ 125 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 प्लस ई आर टू स्क्वेयर, कितना बनेगा ये 150 माइनस 100 इज इक्वल टू ई आर टू स्क्वेयर, कितना बनेगा ई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 मतलब ई आर टू 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 हाँ 5√2, ये समझ में आया, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, आरएमएस या पीक, आरएमएस, अरे हया नहीं है, हमको क्या निकालना है बोलो, कौन सी वैल्यू निकालनी है, ई आर टू कौन सी वाली, पीक वैली, कौन सी है पीक, पीक मतलब नॉट वाली, यहां पे क्या लिखते हैं मतलब नॉट, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, तो ई नॉट इज इक्वल टू आरएमएस इंटू रूट टू, तो आरएमएस की वैल्यू दी है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितने से रूट टू से, तो ये वैल्यू बनी किसके बराबर, पीक के बराबर, तो कितना बना रूट टू इंटू रूट टू इज टू, टू इंटू फाइव इज 10 वोल्ट, तो फाइनल आंसर क्या रहा 10 वोल्ट, आई बात समझ में, ठीक। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तो आप ए कॉइल विच कैन बी मॉडल एज अ सीरीज सर्किट हैज बीन डिजाइन फॉर हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, क्यों मतलब क्वालिटी एट अ रेटेड वोल्टेज एंड स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी क्या की है हम लोगों ने डबल की है, एंड द कॉइल इज ऑपरेटेड एट द सेम रेटेड वोल्टेज, देन क्वालिटी फैक्टर एंड एक्टिव पावर, कौन कौन, क्वालिटी फैक्टर और एक्टिव पावर, एक्टिव पावर मतलब पावर कंजम्पशन का वैल्यू बाय द कॉइल विल बी अफेक्टेड एज बिलो, तो डबल हुआ है, हाफ हुआ है, चार टाइम से बड़ा है, घटा है, वगैरह वगैरह पूछा गया है, निकालना है, ठीक है बेटा, क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर और पावर, ठीक है, एक्टिव पावर मतलब पावर कंजम्पशन निकालना है, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू पावर की वैल्यू आई स्क्वायर इनटू आर, तो पहली चीज तो देखो क्वालिटी फैक्टर के ऊपर क्या परिणाम पड़ता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा कौन सा, बोलो ओमेगा आर बाय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ये समझ में आया, ठीक है, क्या इसको मैं क्वालिटी फैक्टर ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की वैल्यू कितनी होती है आर बाय एल, तो एल हम लोग लिखते हैं ऊपर, लिखते हैं हम लोग आर नीचे, तो सब कुछ चीजें क्या है हमारी कांस्टेंट रखी, सिर्फ क्या चीज हम लोग चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा आर, तो ये अगर डबल कर दिए तो ओमेगा वन क्वालिटी फैक्टर क्यू टू क्या होगा, डबल होगा ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ क्यू वन, तो डबल कहां पे दिख रहा है बेटा बोलो, सी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, ठीक है, ओके, अब क्या चेक करना पड़ेगा, सी में भी दिख रहा है क्या, ना इंक्रीज चार टाइम से, सिर्फ डबल होता है, बात समझ में आई, अब क्या चेक करना हमको, पावर, पावर के लिए पावर होता है बेटा आई स्क्वेयर इंटू आर, क्या है ये आई स्क्वेयर इंटू आर, तो अब देखो आई स्क्वेयर करंट कैसे निकाले, तो करंट ये सर्किट कौन सा हमारा, क्या क्या चीजें यहां पे दी हुई बेटा बोलो, क्या दिया है, कौन सा सर्किट है, एल है, आर है, क्या है, क्या दिया है, विच कैन बी मॉडल एस सीरीज सर्किट हैज डिजाइन फॉर हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड डबल, ऑपरेटेड एट द सेम रेटेड वोल्टेज, कुछ चीजें दी हुई नहीं है हमको, तो कैसे करें, तो सर्किट पहले आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, एज्यूम करना पड़ेगा, कौन सी सर्किट एज्यूम करोगे बोलो, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट या कॉम्बिनेशन, क्या करोगे बोलो बोलो बोलो, क्या दिया है यहाँ पे, एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द कॉइल विल बी अफेक्टेड एज बिलो, बोलो पावर, देखो ऑप्शन ए बी में क्या हो रहा है, एक में डबल हो रहा है, एक में हाफ हो रहा है, एक में कांस्टेंट बोल रहा है और एक में डिक्रीज बाय 4 टाइम बोल रहा है, देखो कैसे करोगे, सोचो बेटा सोचो, हाँ, सो कौन सा सर्किट होना चाहिए यहाँ पे,
इंडक्टिव सर्किट होना चाहिए। पहली चीज बताइए क्यों, क्योंकि आपका एक्सएल की वैल्यू बेटा ओमेगा इंटू एल, तो आप ओमेगा बढ़ाओगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपका रजिस्टर वोल्टेज, जैसे आपकी सर्किट अगर क्या हो, एक इंडक्टर लगाया हम लोगों ने और क्या लगाया, रजिस्टर लगाया, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके अक्रॉस में कम होगा। तो जिसके वजह से यहां पे क्या होगा, इसके अक्रॉस में ज्यादा होना मतलब क्या है बोलो, आपका पावर जो है वो क्या हो रहा है बोलो, सेव हो रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, पावर क्या होगा, इसमें क्या होता है, हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है। तो बेसिकली सर्किट हमारी कौन सी है, इंडक्टिव सर्किट, क्लियर। तो इंडक्टिव सर्किट होगी तो मुझे बताइए, अगर आपको पावर निकालना तो आई स्क्वायर इनटू आर, तो क्या निकालना पड़ेगा, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बोलो, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कौन, जेड, या फिर चलो जेड मानेंगे, जेड मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ हाँ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल की जगह पे क्या आया, वी बाय अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सएल की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान के चलो हम लोगों ने रजिस्टर की वैल्यू क्या रखी, बहुत छोटी, क्या रखी, छोटी रखी, तो क्या बचता है, सिर्फ ओमेगा एल होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, वी बाय स्क्वायर निकलेगा बाहर, तो क्या बनेगा, ओमेगा इंटू एल। तो करंट की वैल्यू क्या बनती है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ऑब्वियसली बात है, हमको पता भी है, क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो करंट कम जाएगा, अरे रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग ओमेगा की जगह पे यहां पे क्या क्या रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पी इज इक्वल टू ओमेगा को कितना किया हम लोगों ने, डबल किया था, कितना किया था, तो इसमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या बोलो, दैट कांस्टेंट इनटू 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर इनटू आर। तो ओमेगा अगर डबल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा 2 की वैल्यू किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 के बराबर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय 4 इनटू आर आएगा, बराबर है। इसका मतलब पावर कंजम्पशन किसके बराबर कितना हुआ, ये 4 क्या इंडिकेट करता है, पावर कितने से कम हो रहा है, 4 गुना कम कंज्यूम हो रहा है। अरे आ रही बात समझ में, नहीं आया, अरे डाल के देखो रे वैल्यू बाबा। तो पावर की वैल्यू आई 2 के जगह पे देखो, पावर 2 दैट इज पावर 1 इज आई स्क्वायर इनटू आर, तो पावर 2 इज व्हाट, आई 2 स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो डबल करेंगे तो इसके जगह पे अगर हम लोग डालेंगे कौन सा, आई 2 की जगह पे आई 1 क्या होगा, बाय 2 होल स्क्वायर इनटू आर, तो क्या बनेगा, आई 1 स्क्वायर बाय 4 इनटू आर, तो क्या होगा बोलो, पावर बाय आई 1 स्क्वायर इनटू आर की वैल्यू किसके बराबर है, पावर 1 दैट इज पावर 1 बाय 4। तो पावर 2 कंजम्पशन इज 4 टाइम्स लेस देन इनिशियल वैल्यू, आई बात समझ में। तो कौन सा ऑप्शन चूज हो रहा है, क्लियर है। तो अब इसको मैथमेटिकली मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप समझ के चलिए, ठीक है। तो आप ओमेगा बढ़ाओगे तो पावर घटेगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी। तो ये समझ लीजिए कि पावर का पावर कंजम्पशन कम करने के लिए आपका वोल्टेज अक्रॉस किसके अक्रॉस ज्यादा होना चाहिए, इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा होना चाहिए, रजिस्टर के अक्रॉस कम, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, हीट के फॉर्म में पावर कंज्यूम करता है, जिससे वो लॉस होता है बेटा, याद रखना, क्लियर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा कॉइल, चोक कॉइल, ठीक है, ठीक है।